ही है। किस पर्पज से आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ यहाँ कटारा एकेडमी में? मैं कटारा सर, डायरेक्टर ऑफ कटारा डिफेंस एकेडमी अलीगढ़। तो आज का जो ये खास विषय है, ये विषय है अभिषेक सर के ऊपर। अभिषेक सर की उपलब्धियों के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि हाल ही में कुछ ऐसे बड़े कारनामे हुए हैं और उस बड़े कारनामे के बाद सर के कुछ और ऐसे डिसीजन जो एकदम बहुत अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर ने, अभिषेक सर ने हाल ही में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर का अपना बेस्ट और फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो सर ने अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ है, इसमें 50 में से 47.5 स्कोर है, सीएचएसएल में सर का 50 आउट ऑफ 50 स्कोर है और यूपीएसआई में भी फुल में फुल स्कोर है। तो कहने का मतलब, अब सर का जो निर्णय है वो निर्णय ये है कि अब फाइनली अपने स्किल बेस पर पूरे भारत में बच्चों की सेवा करनी है, बच्चों को फाइनली पढ़ाना है। तो मैं भी शॉक्ड हूँ, बहुत लोग शॉक्ड हैं कि इतना अद्भुत निर्णय। बाकी का सर आपको और विस्तृत रूप में बताएं। क्या जॉब करने का कोई मन ही नहीं है या फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए आपका कदम उठा हुआ है? जॉब करने में गया था, जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको पता है फैमिली का या सोसाइटी का मतलब एक अलग ही उपलब्धि होती है। तो मेरे को एक्चुअली अलीगढ़ में ही मिली थी, तो मैंने टीचिंग के साथ साथ जॉब स्टार्ट करी। मैं कुछ टाइम यहाँ भी आता था, कुछ टाइम जॉब भी करता था। पहली चीज़ तो ये थी कि मेरा जो बच्चों से जुड़ाव था और फिर मैंने वहाँ जॉब करी, तो मुझे वो प्यार, वो रेस्पेक्ट और मेरी जो स्किल है मैथ्स, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दबती हुई नज़र आ रही थी। मैं उसे नहीं दिखा पा रहा था कहीं। तो फाइनली उसके बाद सोच ये रखा था कि अभी तो यूपीएसआई का भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो शायद उसे ज्वाइन करूँगा तो मेरा मन लग जाएगा। पर फाइनली ये सोचा कि नहीं, जो बच्चों के बीच रह के बच्चों के लिए मैं कर सकता हूँ, वो जॉब मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब कोई बेकार चीज़ है, जॉब हर बच्चा जॉब के लिए तैयारी कर रहा है और उसका फाइनल एम यही होता है। पर शायद मेरा एम ये है कि मैं हर बच्चे को यहाँ पर सेलेक्ट कराऊँ। बच्चा जो सबसे ज़्यादा मैथ्स से ही डरता है, सबसे ज़्यादा बच्चे में अंदर से डर होता है मैथ्स का, बचपन से, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स में ये डर रहता है। तो वो डर मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें सिखा पा रहा हूँ और वो डर उनके अंदर से निकल रहा है। किस तरह से निकलवाते हैं इस डर को? मैं जैसे कि कॉम्पिटिशन और अकेडमिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अकेडमिक्स में आपके पास बहुत टाइम होता है, पेपर में आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, और कॉम्पिटिशन में ये टाइम बहुत कम होता है। कॉम्पिटिशन में चीज़ें आना नहीं, उस 1 घंटे में या उस 1.5 घंटे में उस चीज़ को कौन एग्जाम में अप्लाई कर सकता है वो मैटर करता है। तो हम वो चीज़ें यहाँ पर सिखाते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही शॉर्ट में, कि विद इन 1 मिनट और विद इन 30 सेकेंड आप मैथ के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो ट्रिक्स हम बच्चों को सिखाते हैं और इतने कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट को लेते हुए ट्रिक सिखाते हैं कि गर्ल्स को, बॉयज़ को, या कैसा भी स्टूडेंट हो, डल स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, सबको हम एक तरह से लेके चलते हैं। भारत की जनता है, आपकी लाइव भी देख रही है और आपके प्रेस के माध्यम से आपकी जो आवाज़ पहुँच रही है, और उसके लिए क्या आपके द्वारा जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, क्या अटेम्प्ट के द्वारा कराएंगे क्वेश्चन सॉल्व के, या फिर शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आप? देखिए, शॉर्ट ट्रिक, सीधे अगर शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए तो बच्चा कभी एग्जाम नहीं निकाल सकता जब तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो ट्रिक को अपने आप बना लेता है। तो यहाँ विद कॉन्सेप्ट और विद ट्रिक्स दोनों तरह से पढ़ाई होती है, खाली ट्रिक से पेपर नहीं निकलता। वो तो एक हाइप क्रिएट करने वाली बात है कि बच्चों को बस पागल बना दिया कि ये लो ट्रिक, वो पेपर में बैठा तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और उसको चीज़ों को फिर शॉर्ट करके भी हम ही सिखाएंगे, फिर उसे प्रैक्टिस कराएंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सीखे चीज़ें सिखाई जाएंगी यहाँ, जिससे पेपर एकदम क्वालिफाई होगा। सिलेबस जो होता है, कहा जाता है कि 6 क्लास से बच्चा अगर अच्छे से कंसेप्ट पढ़ता है तो क्या आगे को क्लास में किसी भी प्रकार की बच्चे को कोई किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी है अगर बच्चे की है तो वो कहीं ना कहीं उसे कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता केवल कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा तो है नहीं कि भारत में सारे बच्चे कोचिंग करते तो ही पेपर निकालते हैं, बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होते हैं। ये सेल्फ स्टडी मेन है, हम एक राह दिखा रहे हैं जिस पे बच्चे को चलना है। पर जो बच्चे उस टाइम सीरियस नहीं थे, जो हमारा सिलेबस है किसी भी वनडे एग्जाम का, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे यूपी सब इंस्पेक्टर हो, यूपी कांस्टेबल हो, एक्सवाइजेड कोई भी वनडे एग्जाम है, उसका पूरा सिलेबस क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक का है। अगर बच्चे ने वहाँ अच्छे से पढ़ाई करी है, और कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया कि अकेडमिक्स में तरीके अलग होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के,
कॉम्पिटिशन में अलग होते हैं, उसे मैथ सीखना पड़ेगा। उसने जीएस अच्छे से पढ़ी है तो उसे जीएस पढ़ने की कोई नीड नहीं है। उसने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा है तो इंग्लिश सेम टू सेम वही पूछ रहे हैं, वो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे एक बार कोचिंग में आना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम में अगर वो चीज़ों को करना चाहता है तो। हाँ, अगर उसकी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है तो मैं ये भी कहूँगा कि हाँ, बिना कोचिंग के भी चीज़ें हो सकती हैं, पर हमें उस राह को आसान कर देते हैं। जहाँ वो एक साल में पहुँचेगा हम उसे चार महीने में पहुँचा देंगे। आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि एजुकेशन को कटारा डिफेंस अकेडमी के मीडियम से मैं घर घर में हर गरीब बच्चे के यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से मैं ये जागरूकता देना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना ज़रूर है। हमें इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ाना है। इंडिया में जो हम सुनते रहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, उस बेरोजगारी को भी मिटाना है। गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर में भी चीज़ें होती है, वहाँ भी इंटरव्यूज होते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो वहाँ भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किसी भी मीडियम से बच्चों को इतना कैपेबल बनाना है कि वो एजुकेट हों और वो सिलेक्शन लें। सर, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फीस पे। और अकेडमियों से कटारा अकेडमी की जो फीस है वो कितनी है और क्या कंपटीशन में नॉर्मल है? तो कटारा डिफेंस एकेडमी की फीस बहुत नॉमिनल है। जैसे नीट जेई का अगर एग्जांपल लें तो आपको पता है ऑल ओवर इंडिया फीस लाखों में चल रही है और यहाँ तो शायद हज़ारों से भी कम है। ऐसे ही वनडे एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो केवल अलीगढ़ लेवल पर बात करें तो कटारा डिफेंस एकेडमी में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग फीस बहुत नॉमिनल है। चार घंटे पर डे हर कोई भी कॉम्पिटिशन हो मिनिमम चार घंटे क्लास चलती है। डाउट फैकल्टीज होती हैं, प्रिंट फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट शीट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और यही नहीं, अगर कोई बच्चा फीस देने के लिए कैपेबल नहीं है तो वो यहाँ फ्री में भी पढ़ रहा है। मैं यही क्वेश्चन है मेरा एक कि अगर कटारा की तरफ से जैसे बच्चा कोई गरीब आता है या कोई कहता है कि मैं इस मन से इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूँ तो आपकी तरफ से क्या उसके लिए कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, ये खास रहेगा। पहले तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे कुछ टेस्ट भी होते हैं। अगर जैसे हमें सच में लग रहा है कि उसकी मजबूरी है तो कोई टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें कराते हैं। इसके लिए यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा सोर्स आजकल बन चुका है। यूट्यूब पर हमारी पर डे 5 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती हैं। उसके बाद भी बच्चे को लग रहा है कि वो यूट्यूब से नहीं पढ़ सकता तो हमारे सारे ऑफलाइन बैचेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्री पढ़ रहे हैं एकदम, जिनसे फीस नहीं ली जा रही, या वो जितनी भी केपेबल है देने के, जितना भी वो दे सकते हैं अपनी तरफ से वो दे देते हैं, नहीं भी दे सकते तो उसके लिए भी है। सर, कमज़ोर बच्चे जो हैं जो नहीं मैथ में या किसी चीज़ में कंपटीशन में पीछे रह जाते, उसके लिए आपके यहाँ क्या क्लासेज एक्स्ट्रा है या? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो हर बच्चे का अपना एक लेवल है और उस लेवल को हम 4-5 महीने में सेम ले आते हैं, पर उस 4-5 महीने में जो उसे कठिनाई आती है वो उसे कैसे टैकल करेगा? जैसे बहुत से गर्ल स्टूडेंट आती है कि आखिरी बार 8th में होम साइंस थी तो 8th तक ही मैथ पढ़ी या 10th तक ही मैथ्स पढ़ी, मैथ से कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, बिल्कुल पहले बेसिक क्लासेज अरेंज करते हैं जिसमें उसका बेस सुधरे। उसके बाद हमारे डाउट काउंटर पे टीचर्स हैं, हम उसे बेसिक शीट्स देते हैं सॉल्व करने के लिए और एक्स्ट्रा क्लासेज भी यहाँ प्रोवाइड होती हैं। साथ के साथ विद ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है कि आपको ऑफलाइन में कुछ समझ नहीं आया घर जाके आप तुरंत देखो ऑनलाइन मीडियम से, फिर भी नहीं समझ आया डाउट काउंटर से फैकल्टीज हैं उनसे पूछिए, फिर भी नहीं समझ आया आप रेस्पेक्टिव फैकल्टी से मिलिए उनसे पूछिए, हर तरह से यह हेल्प मिलती है। मतलब बच्चे को फाइनल सिलेक्शन तक लेके ही जाना है।